बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अवैस विजिट वी के साथ फिर एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मुतहदा अरब अमीरात में एक सर्वे एक रिपोर्ट जारी हुई और ये रिपोर्ट उन लोगों को जरूर दिखानी चाहिए जो बार बार कुछ इस तरह की वीडियोस बना रहे होते हैं कि यूएई में बेशुमार जॉब्स हैं या इस वक्त विजिट वीजे के लिए उकसाया जा रहा है कि यूएई जाएं और यूएई में आपको जॉब वगैरह मिल जाएगी। ये बात तो सभी जानते हैं कि यूएई विजिट वीजे इसलिए इशू नहीं कर रहा कि लेबर मार्केट में कोई खास जॉब नहीं है, लेकिन ये अलग बात है अगर 2020 एक्सपो इस साल मुनक्कद हुआ तो फिर जॉब्स वगैरह निकलेंगी। लेकिन फिलहाल अगर आप इस वक्त यूएई चले जाते हैं तो 80% जॉब ना मिलने के चांसेस है। यूएई की तरफ से ये रिपोर्ट जारी हुई है कि सितंबर 2020 से जनवरी 2021 तक 80% मुसाफर जो दुबई से गए हैं वो वापस नहीं आए, बल्कि वन वे टिकट करवा कर ही अपने वतन वापस गए हैं, जिसकी कुछ वजूहात बताई गई जिसमें शामिल कंपनीज का बंद हो जाना या खुद को कोरोना से सिक्योर करने के लिए अपने मुल्क में क्याम पजीर रहना, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो करंटीना के सख्त रूल की वजह से अपने मुल्क में बैठे हैं, और 100 में से 80 लोग जो दुबई से गए हैं वो तहाल वापस नहीं आए, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूएई की इकोनॉमी किस तरह बदहाल है और कैसे मुतहदा अरब अमीरात गैर मुल्कियों के लिए विजिट वीजे खोले जब पहले ही लोग छोड़ छोड़ कर वापस जा रहे हैं। मुतहदा अरब अमीरात का विजिट वीजे बंद करना अगर पॉजिटिव पहलू से सोचा जाए तो ये एक अच्छा इकदाम है, ताकि लोग इधर आकर जलील ना हो, अपने पैसे वगैरह जाया ना करें, क्योंकि जॉब्स वगैरह तो कोई खास निकल नहीं रही। लेकिन जैसे कल सऊदी अरेबिया ने अमारात अबू धाबी को मुसाफिरों के लिए ग्रीन लिस्ट में डाल दिया है, यूएई के हालात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह पाक हम सब के हक में बेहतरी करे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, नए आने वाले दोस्त चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।